इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारे देश में भिक्षा देने की विधि है, भिक्षान्न दे बैठ गया। जैसे माँ लेके निकली, लक्ष्मण जी ने जो इधर कथा उधर की पहले कर ली, तो भगवान दूर ले गए बाण तक करके सरकार ने मारा, तो मारी पहले तो हा लक्ष्मण, और वो भगवान की आवाज में बोला। माता ने सुना, लक्ष्मण जी को प्रेरित किया। लक्ष्मण जी बोले, मां काल का काल भी जो संभालते हैं उन पर क्या आपत्काल आएगा, विपत्ति की विपत्ति टल जाती जिनके स्मरण से। मां ने कुछ कठोर वचन कहा, मरम वचन जब सीता बोला, प्रभु हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। और दिशाओं के देवताओं को माँ की सुरक्षा सौंप कर एक रेख खिंचाकर, ये मर्यादा की रेखा, माँ इससे बाहर नहीं निकलेंगी, बाल बाँ का नहीं होगा। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े, लक्ष्मण जी इधर गए, तब तक रावण का आना हुआ। भिक्षान्न दे वो आह्वान किया, माँ कंदमूल फल लेकर निकली, आग लपट निकल पड़ी। कहाँ से? उस रेखा से। रावण ने कहा, हम बधी भिक्षा नहीं लेते, यदि देना है तो आपको बाहर आना पड़ेगा, वरना मैं शापित करूंगा। जल निकाल लिया। मां ने कहा, नहीं, ऋषिदेव ऐसा नहीं करते। मां बाहर निकली, और ये पंक्ति देखिए, रावण को मां ने कुछ कठोर वचन कहे, सुनत वचन दस सी सरिसाना, लेकिन मन महु चरण बंद सुख मान। जग जननी के चरणों में प्रणाम किया है, हे माँ भगवती, अब तक तो आप यहाँ रही, अब हमारी नगरी श्रीलंका में चलिए और हमारा भी कूल समूल उद्धार करिए। धरती खोद करके माँ को उठाया और अपने रथ पर बिठा लिया, लेकर के चला। मार्ग में जटायु जी महाराज से युद्ध हुआ है, उसका पंख काट दिया। राम स्मरण करके गिर पड़े जटायु जी। इधर लक्ष्मण जी को भगवान ने आते देखा, ये लीला चल रही है। रावण माँ को ले गया, माँ वस्त्राभूषण कपियों को देख करके गिराती हैं। ऋषिमुख पर विराजे थे सुग्रीवादी। रावण बहुत भांति भय सहित गया है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माँ को पधरा दिया। इधर परमात्मा लक्ष्मण जी को बातें देखे, देखिए क्या लिखा है, अनुज ही आवत देखी, पूरा बोलो, रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ही बिसेखी। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी महाराज को आते देखे तो बाहरी चिंता की, अंदर से तो जान ही रहे कि क्या हुआ आश्रम पर, बाहिज चिंता किन विषय की। लाला स्याजू को आप आश्रम में अकेले छोड़ाए, मेरा मन कहता है कोई विशेष घटना घट गई है। दौड़ पड़े परमात्मा, देखिए लीला राम जी की। आश्रम पर आए, मां को आश्रम पर नहीं पाए। भगवान विरही की भांति विषाद करने लगे, वन के देवता देवियों से, वृक्षों से, पल्लमों से, तनों से, फलों से, झाड़ों से, पुष्पों से, पशु पक्षियों से, हाथी से, हथनियों से, सिंह सावकों से, हिरण हिरणियों से। भगवान सबसे पूछते हैं, आप में से किसी ने मेरे सियाजू को देखा क्या?
भगवान विकल हो। लक्ष्मण जी बार बार समझाते हैं, परंतु भगवान माँ के स्मरण में बहुत भांति विलाप कर रहे हैं। वन के जीव, वृक्ष, झाड़, पुष्प, लताएं भगवान के इस विरह विलाप से सब दुखी हो गए। जटायु जी मिले, संदेश पाया प्रभु ने, भगवान ने उनको गति प्रदान की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक कबंध नाम का असुर था, जो भगवान और भैया जी को पकड़ने के लिए भुजा फैला दिया। भगवान ने निकाला तलवार और एक तरफ लक्ष्मण जी, एक तरफ प्रभु ने उसकी भुजाओं को खंडित किया। स्वरूप बोध हुआ, हे नाथ मैं धन्य धन्य हुआ। भगवान ने पूछा आप कौन हो? तो मैं गंधर्व हूं, देवराज इंद्र की सभा में मैं गायन करता था। एक बार 70 लोग विराजे थे, मैं गाकर सबको वंदन कर रहा था। जब दुर्वासा जी के सन्मुख गया तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, तो मुझे हंसी आ गई। जो गायक लोग होते हैं ना, उनके कान वाह वाह सुनने के अभ्यासी हो जाते हैं। तो कोई कैसा भी गाए तो उसका वाह वाह अवश्य करना चाहिए, वाह वाह। आजकल तो परंपरा ही है, वाह 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 वाह, क्या बात, भले समझ में नहीं आए करे रहो वाह वाह। एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, गायक हैं लखनऊ के, तो एक विनोद की कथा सुनाते हैं। एक जगह कविता पाठ हो रहा था, तो एक कवि जी पाठ करने उठे और बोले, प्रारंभ करते ही जागते रहो। तो सामने बैठा आदमी बोला वाह वाह, तो वो दो बार बोले जागते रहो, वो फिर बोला वाह वाह। तो कवि जी ने कहा भैया पाठ आगे तो करने दो। बोले नहीं, आपका यही पाठ इतना अच्छा लग रहा है, इसी को रात भर कहो। तो बोले कि अरे अभी हम कुछ कह नहीं रहे, केवल जागते रहो में कौन कविता है। तो वो आदमी बोला रात का जो पहरेदार है आज छुट्टी पर है, तो आप बोलते रहेंगे तो कम से कम सुरक्षा रहेगी, कविता तो फिर हो जाएगी। जागते सुनने वाले भी अपनी मस्ती है, सुनाने वालों की भी अपनी मस्ती है। जागते रहो, जागते रहो, हंसी आती है सोचकर। कविता का अपना रंग है, अपना रस है, वही दृश्य है। भगवान ने कबंध का सुना और कबंध को समझाया। सोनो गंधर्व, हाँ भैया भैया वो बात रह गई। तो दुर्वासा जी के पास जाकर मैं हंसा, तो दुर्वासा जी समझ गए कि मैं उनकी बरेखी कर रहा हूं। अब दुर्वासा जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। दुर्वासा जी ने मेरी ओर देखकर कहा मूर्ख, क्या समझता है मैं कविता तुम्हारा गायन समझा नहीं, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम मृत्युलोक में जाकर असुर शरीर धारण कर ले। अरे राम, मैं उसी क्षण नीचे उतर गया, नीचे गिर गया। लेकिन दुर्वासा जी को मेरी करुणा देखकर दया आई, उन्होंने कहा त्रेता में जब ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करके इस मार्ग पर आएंगे तो उनका दर्शन करके तो कृतकृत्य हो जाएगा। हे नाथ मैं धन्य धन्य हुआ। अब भगवान ने गंधर्व को निर्देश करते हुए हमारे लिए कुछ पंक्तियां कही, सुन। प्रभु कहते हैं सोनो गंधर्व कहूं मैं मोहिन ब्रह्म कुल शाप
पापत ताड़त परुष कहं विप्र असगा शाप देते हुए दुर्वासा जी परीक्षण करते हुए भृगु जी और कठोर बोलते हुए परशुराम जी ये तीनों देव पूज्य। आगे की जो दो पंक्तियां हैं उनका अर्थ खोलूंगा तो बीच में नेतागिरी प्रवेश कर जाएगी, इसलिए आप समझ लीजिएगा सत्य यही है जो लिखा है। जिसके जीवन में शील है उसका सभी अभिनंदन वंदन करते हैं, जिसमें शीलता नहीं है उसका कोई वंदन अभिनंदन नहीं करता है, इसलिए जीवन में शीलता का वर्णन करें, साधुता का वर्णन करें, सरलता का वर्णन करें। मैं समझता हूं हम 8 दिनों में आपके साथ जो सत्संग कर पाए अवश्य कुछ आपको प्राप्त हुआ होगा। भगवान श्री रघुनाथ जी आगे कब सुयोग बनाते हैं, संजय जी को बोला कि बड़ी बिटिया का जब ब्याह कर लेना तब दोबारा फिर देवरिया लौट के आऊंगा, क्योंकि मैं बच्चों का उत्सव जब संपन्न होता है तो फिर एक बार ठाकुर जी का आगमन हो, बच्चे प्रसन्न हो और मुझे भी प्रसन्नता हो। आप सबने जिस भाव से कथा श्रवण किया मैं आप सबका बहुत बहुत ऋणी रहूँगा। भगवान कबंध को गति देकर शबरी अम्बा के आश्रम पधारे और ये प्रसंग अति मधुर है, इसको बड़ी श्रद्धा से आप हृदयस्थ होकर कल्पना लोग ऐसा करूंगी ये मां शबरी निरंतर करती। विश्वास देखिए क्या कहती है, रिन रिन नन रिन शबरी समार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। विश्वास, हम में विश्वास दृढ़ हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।